नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है सुनीता यूनिक फैक्ट्स। दोस्तों, दिल्ली के निजामुद्दीन का कोरोना वायरस इन्फेक्शन का हॉटस्पॉट बनने के बाद तबलीगी जमात काफी चर्चा का विषय इस वक्त पूरे भारत में बना हुआ है। दोस्तों, तबलीगी जमात उस वक्त सुर्खियों में आई है जब तबलीगी जमात ने दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद एक धार्मिक सभा की और यही सभा देश भर में बहुत सारे कोरोना वायरस के केसेस का कारण बनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये तबलीगी जमात कौन है, इसका जन्म कब और कहां हुआ, इसका काम क्या है और इसका मुखिया कौन है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तबलीगी जमात एक इस्लामिक धार्मिक संगठन का नाम है जिसको 1926 में उत्तर भारत के मेवात जिले में बनाया था। दोस्तों, मेवात इस वक्त हरियाणा राज्य का हिस्सा है और अब नू डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तबलीगी जमात को जिस इंसान ने बनाया था उनका नाम था मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी। मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी तबलीगी जमात के पहले अमीर थे। दोस्तों, तबलीगी जमात में अमीर जमात के मुखिया को कहते हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी 1926 से 1944 तक तबलीगी जमात के अमीर बने रहे। उनकी मौत के बाद तबलीगी जमात के अमीर मोहम्मद यूसुफ कांधलवी 1944 से 1965 तक रहे। दोस्तों, तबलीगी जमात के तीसरे और आखिरी अमीर इनामुल हसन कांधलवी 1965 से 1995 तक रहे। दोस्तों, उसके बाद तबलीगी जमात छोटे छोटे जमातों में बढ़ गई। तबलीगी जमात के जिस ग्रुप ने दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजन किया था उसको तबलीगी जमात का एस ग्रुप कहते हैं और इस वक्त इस ग्रुप का मुखिया महमूद साद कांधलवी है जो कि तबलीगी जमात के फाउंडर मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी के पोते हैं। दोस्तों, अगर मैं तबलीगी जमात के कामों की बात करूं तो एक बार तबलीगी जमात के फाउंडर मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने कहा था, ओ मुस्लिम्स बी गुड मुस्लिम्स, जिसका मतलब है ए मुसलमानों एक अच्छे मुसलमान की तरह रहो। दोस्तों, तबलीगी जमात मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने पर जोर देती है और खास करके उस इस्लाम को फॉलो करने का प्रचार करती है जैसा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के टाइम इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता था। दोस्तों, तबलीगी जमात खास रूप से मुसलमानों को उन रवाजों को फॉलो करने की बात करती है जैसा कि पैगंबर मोहम्मद के टाइम किए जाते थे और उन कपड़ों को पहनने की बात करती है जैसा कि पैगंबर मोहम्मद के टाइम पहने जाते थे। दोस्तों, तबलीगी जमात का मकसद सिर्फ मुसलमानों के बीच अपने धर्म की अवेयरनेस बढ़ाना है और किसी और एक्टिविटीज जैसे कि धर्म परिवर्तन वगैरह में शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों, तबलीगी जमात इस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जमात है। यहाँ तक कि भारत के बंटवारे के बाद भी ये जमात कमजोर नहीं हुई। तबलीगी जमात के फॉलोअर्स इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में लगभग 200 देशों में 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान तबलीगी जमात से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर मैं दिल्ली के निजामुद्दीन की घटना की बात करूं तो मौलाना साद जो इस वक्त तबलीगी जमात के मुखिया है उन्होंने तबलीगी जमात का सालाना आयोजन 3 मार्च से निजामुद्दीन मरकज की बिल्डिंग में बुलाया था। दोस्तों, इस आयोजन में लगभग 250 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के साथ हजारों लोग शामिल हुए थे। ऐसा बोला जा रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस होने के बावजूद ये आयोजन 22 मार्च तक चलता रहा और अब पूरे देश में कहीं ऐसे कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं जिनका लिंक इसी तबलीगी जमात के आयोजन से निकल रहा है। दोस्तों, अब बात यहां तक पहुंच गई है कि दिल्ली पुलिस ने अब जमात के अगेंस्ट दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का पालन न करने के लिए केस दर्ज कर दिया है। दोस्तों, ये कुछ था जो मैं आपके साथ तबलीगी जमात और तबलीगी जमात के इतिहास को शेयर करना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चले अब आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।